महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल लाउडस्पीकर विवाद को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने नई टाइमलाइन दी है। राज ठाकरे ने कहा है कि राज्य सरकार 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को हटा ले। ऐसा नहीं हुआ तो मस्जिदों के सामने मनसे के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा बजाएंगे। उन्होंने कहा है कि यह धार्मिक नहीं सामाजिक मुद्दा है। इसके पहले भी मनसे कार्यकर्ता शिवसेना भवन के सामने हनुमान चालीसा बजा चुके हैं। इसको लेकर खूब हंगामा भी हुआ था। राज ठाकरे की धमकी पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बयान दिया है। उन्होंने सरकार से मनसे प्रमुख राज ठाकरे की चेतावनी को गंभीरता से लेने की बात कही है। राज ठाकरे के 3 मई तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद करने की चेतावनी पर शरद पवार ने कहा है कि यह समय महंगाई और बेरोजगारी पर बोलने का है, ना कि लाउडस्पीकर पर राजनीति की जानी चाहिए। शरद पवार के मुताबिक राज ठाकरे बीजेपी के इशारों पर ऐसा बयान दे रहे हैं। उन्हें समझना होगा कि मैं नास्तिक नहीं हूं, बस धर्म का दिखावा नहीं करता। राज ठाकरे के अल्टीमेटम दिए जाने के मुद्दे पर शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, हमें कोई हिंदुत्व ना सिखाए। उन्होंने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को आड़े हाथों लिया, उन्हें बीजेपी का लाउडस्पीकर करार दिया। संजय राउत ने कहा है कि राज ठाकरे का लाउडस्पीकर इसलिए बज रहा है क्योंकि वो भाजपा के भोपू हैं। ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए राज ठाकरे ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।